NTAUGCNET, Yanin ImageNet. Download it on Google Play Store. सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। NTAUGCNET Research Aptitude Class 4। दोस्तों इस क्लास में हम जानेंगे टाइप ऑफ सैम्पलिंग इन रिसर्च, सैम्पलिंग के कितने प्रकार होते हैं। और दोस्तों इनमें से आज तक बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च के अंदर और इसमें आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियो देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजीनेट है तो जीआरएफ है। कि सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सैंपलिंग क्या होती है। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सैंपल इकट्ठा करना किसी पॉपुलेशन से। देखिए जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के अंदर पूरा एरिया कवर अप करना होता है और उस एरिया को कवर करने के लिए अगर हम एक एक व्यक्ति के पास जाएं तो हमारी रिसर्च क्या है कि बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए जैसे कि मान के चले कि किसी गांव के अंदर हम गए, गांव के अंदर हमें पता करना है कि शराब पीने वाले लोगों के जीवन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब गांव के अंदर मान के चलते हैं कि 4000 लोग हैं, 4000 लोगों में से 1000 लोग शराब पीते हैं, तो एक एक व्यक्ति के की जानकारी हम लेंगे तो हमारे लिए वो रिसर्च काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 1000 लोगों को हम डिवाइड कर देंगे मोहल्ले वाइज, हर एक मोहल्ले में से 5-5 लोग हम इकट्ठा कर लेंगे। 1000 लोगों में से हो सकता है हम 200 लोगों का सैंपल इकट्ठा कर लें। अब देखिए एक कहावत है, एक छोटे से एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जब हम चावल बनाते हैं तो चावल बन गए, पक गए, उसके लिए एक एक दाना तो चेक नहीं करते ना, हम कुछ दाने चेक करते हैं चावल के उठा के और उनमें देखते कि ये पक गए या नहीं पके, तो वो भी क्या होता है दोस्तों, एज ए सैंपल होता है। तो इसी तरीके से हम रिसर्च के अंदर करते हैं, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल हम उठाते हैं और उन्हीं से अपना रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। और जो भी हम सैंपल ले रहे हैं ना दोस्तों, सैंपल की खासियत ये होती है कि वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब देखिए वही बात, अब दोबारा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि जैसे गांव के अंदर हम सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि हम एक ही मोहल्ले से हमने 100 लोगों को इकट्ठा कर लिया, वहीं से हमने सैंपल ले लिए, नहीं दोस्तों। गांव के अंदर, पूरे गांव के अंदर जो हम 200 लोगों का सैंपल ले रहे हैं, वो पूरे गांव को प्रेजेंट करना चाहिए, एक किसी कोने से, एक व्यक्ति किसी कोने से, यानी कि पूरे गाँव से वो सैंपल होने चाहिए, इस तरह से हमारा अच्छा सैंपल माना जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सैंपल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ सैंपलिंग क्या होते हैं, कितने तरह की सैंपलिंग होती है। मुख्य रूप से दोस्तों हमारी दो तरह की सैंपलिंग होते हैं, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होती है। अब देखिए इनके बारे में हम और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज ए सैंपलिंग टेक्निक इन विच द सब्जेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी सिलेक्टेड एज ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर जो भी सैंपल होते हैं ना, सभी के सभी सैंपल के चुनने की जो संभावना होती है वो इक्वल होती है, एक जैसी होती है। अब देखिए एक इसके अंदर छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको कि हमने सिक्स या सेवन्थ क्लास में आपने क्वेश्चन किए होंगे प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। एक थैला है, थैले के अंदर 10 गेंदे पड़ी हुई है और उसमें हमें हाथ मार के एक बॉल निकालने, वो बॉल नीली होगी, पीली होगी, क्या होगी, तो उसको हमें बताना है। और हर बॉल, तीन तरह की बॉल हम मान के चलते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, और टोटल बॉल मान के चलते 12 है। तो हर किसी के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/12, यानी कि 1/4
चार उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि इक्वल चांस होते सभी के निकलने के, भेदभाव नहीं किया जाता किसी के साथ में, सभी इक्वल होते हैं, प्रोबेबिलिटी के अंदर ये होता है। और जैसा कि हम लॉटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो वो भी हमारी क्या है दोस्तों, एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। क्लास में लॉटरी के जरिए बच्चों का सिलेक्शन करना, ये भी हमारे क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोई भी डिसाइड नहीं हो, इसके अंदर सभी का इक्वल चांस नहीं होता। इसके अंदर पहले से हम कुछ रूल रेगुलेशन डिसाइड कर देते हैं, तो ये क्या होगी, हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज ए मेथड ऑफ सैम्पलिंग वेयर इट इज नॉट नॉन दैट विच इंडिविजुअल फ्रॉम द पॉपुलेशन विल बी सिलेक्टेड एज ए सैम्पल। इसके अंदर मैं एक एग्जांपल दूँ, जैसे कि हमें क्लास के अंदर बच्चों का सिलेक्शन करना है, किसी कंपटीशन के अंदर जाना है, पांच बच्चों को हमें चुन के लेके जाना है, तो वो पांच बच्चे कंपटीशन में लेके जाएंगे हम कहीं पे, तो हम देखेंगे ना कि किसको साइंस के अंदर आता है ज़्यादा, किसको मैथ के अंदर, किसको हिस्ट्री के अंदर ज़्यादा नॉलेज है, तो हम बेस्ट से बेस्ट बच्चे लेके जाएंगे ना अपने आगे कंपटीशन के अंदर। ऐसे तो नहीं है कि कोई भी बच्चे उठा लिए हमने और वो वहाँ पे लेके चले गए कंपटीशन के अंदर, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे अच्छा रिजल्ट देने के लिए हम अपनी अपनी इच्छा से बच्चों को चुनेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके टाइप की, सब टाइप की बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर किस किस तरह के टाइप हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहला आता है रैंडम सैम्पलिंग आता है। रैंडम सैम्पलिंग के अंदर तो रैंडम होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक थैला है, थैले के अंदर 12 गेंदें पड़ी हुई है और उसमें से कोई भी एक गेंद उठानी है, तो वो गेंद नीली भी हो सकती है, काली भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, कैसी भी वो गेंद हो सकती है, तो ये क्या होगी, हमारी रैंडम सैम्पलिंग होगी, किसी भी व्यक्ति को उठा लेना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब देखिए, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक सिस्टम होता है, जैसे कि क्लास के अंदर हम मान के चलते हैं कि 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे में हमें कोई चार बच्चे पांच बच्चे लेने हैं, तो हम पहले डिसाइड कर देंगे कि हर पांचवें बच्चे पे एक बच्चा लेना है। अब वो पांचवा बच्चा कौन आएगा वो हमें नहीं पता, हमने बस एक सिस्टम तैयार कर दिया कि हर पांचवा बच्चा हमें उठाना है क्लास में से, उसको चयनित करना है, तो ये क्या होगी, हमारे सिस्टमैटिक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की बात करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर क्या होता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो सत्रीकृत प्रतिचयन होता है, और हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर पढ़ सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज वन इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इंटू होमोजीनियस सेगमेंट एंड द देन द सैम्पल इज रेंडमली टेकन फ्रॉम द सेगमेंट। अब देखिए, इसको मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एक पॉपुलेशन मान के चलते हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये पॉपुलेशन है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, होमोजीनियस ग्रुप बनाते हैं। होमोजीनियस का मतलब ये है जिनका करेक्टर, जिनका गुण एक जैसा हो, उनको हम अलग कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, लाल डॉट है, नीली है, ग्रीन है, तीन तरह की डॉट्स है। तो हमने क्या किया कि जो नीली है, नीली को एक साइड में कर लिया, और रेड है, रेड को एक साइड में कर लिया, और जो ग्रीन है, ग्रीन को हमने एक साइड में कर लिया, तीनों को अलग अलग कर लिया, होमोजीनियस यानी कि जिनके गुण एक जैसे हो। और इसके अंदर एक और एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास जैसे 900 लोग हैं, 900 लोग हैं, उनके अंदर मिक्सअप है सभी को, और सभी के हमने तीन ग्रुप बना लिए 300-300 के, जिसमें सबसे पहला ग्रुप है लड़कों का, उसके बाद में आदमी का, और फिर उसके बाद में है वुमेन का, औरतों का, हमने तीन ग्रुप बना लिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस, जिनके गुण धर्म एक जैसे हो उनको हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस कहेंगे। अब देखिए, अब हमने तीन ग्रुप बना लिए, अब इनमें से हम रैंडम तरीके से चुनाव करेंगे, ठीक है, जो ये हमने होमोजीनियस ग्रुप बनाए, इनमें से रैंडम तरीके से जब हम चुनाव करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहेंगे, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों
क्लस्टर या फिर एरिया सैम्पलिंग की बात करते हैं। ये देखिए, ये उसी से स्ट्रेटिफाइड रैम सैम्पलिंग से ही थोड़ा सा रिलेटेड है। इसके अंदर क्या होता है, क्लस्टर सैम्पलिंग इज डिफाइंड एज ए सैम्पलिंग टेक्निक इन विच द पॉपुलेशन इज डिवाइड इंटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ग्रुपिंग, यानी कि क्लस्टर के अंदर पहले ही डिवाइड होते हैं, और देन ए सैम्पल ऑफ क्लस्टर इज सेलेक्टेड नॉर्मली फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब देखिए, इसको मैं आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इस सैम्पलिंग के अंदर पूरी पॉपुलेशन पहले से ही छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड होती है, जिन्हें हम क्लस्टर बोलते हैं। अब इन क्लस्टर में से रैंडम तरीके से सैंपल लिया जाता है, जिनका नेचर द्विजाति या फिर हिटरोजीनियस होता है। देखिए, इसको हम ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये हमारी पूरी की पूरी पॉपुलेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये यहाँ पर छोटे 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 ग्रुप बने हुए हैं, जिनको हम क्लस्टर बोलते हैं। और इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, अब ये देखिए, इनका जो ये क्या है कि ये हिटरोजीनियस है। हिटरोजीनियस का मतलब ये है कि इनकी जो गुणधर्म है ना, वो सभी के अलग अलग है, मिक्सअप है ये। अब ये देखिए, ये जैसे एक एक दो तीन हो गया, चार पाँच छः हो गया, यानी इसको इसके स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से कंपेयर करके चले तो यहाँ पर हम मान के चलते कि ये आदमी हो गया, फिर लड़का हो गया, और फिर क्या है, औरत होगी, फिर अगले में क्या है, ये दो औरत होगी, फिर एक लड़का हो गया, और फिर क्या है, दो लड़के हो गए, एक औरत होगी, यानी कि मिक्सअप है, सब कुछ मिक्सअप होया हुआ है इसके अंदर, ये हिटरोजीनियस हो गया। अब देखिए, हिटरोजीनियस ग्रुप में से हमने कोई भी दो या तीन हमने ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पे ये देखिए, ये सेलेक्ट कर लिए। अब इनमें से, इन दो क्लस्टर में से जब हम सैंपल इकट्ठा करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लस्टर सैंपलिंग कहेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी कि पहले अलग अलग क्लस्टर होते, ये देखिए अलग अलग छः क्लस्टर है, छः में से हमने दो क्लस्टर का चुनाव कर लिया, हिटरोजीनियस होते हैं, और इनमें से फिर हम आगे सैंपल इकट्ठा करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग कहते हैं। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। अब देखिए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी काफ़ी आगे टाइप है, सब टाइप है, उनके बारे में हम बात करते हैं। ये दोस्तों, सबसे पहले हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब देखिए, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल का चुनाव करना क्या कहलाता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम बात करके चलते हैं कि इसको हम, यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, इसको हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग वगैरह भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जैसे कि हम स्कूल के अंदर जाते हैं, और वही मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि हम अपनी सुविधा के अनुसार, अब जैसे क्लास के अंदर काफ़ी बच्चे हैं और उसके अंदर देखते भी किस बच्चे को लेना है, किसको छोड़ना है, अपनी सुविधा के अनुसार बच्चे का चुनाव करना वहाँ पे क्या कहलाता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाता है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, कोटा सैम्पलिंग की बात करते हैं। अब देखिए, इसमें भी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोटा सैम्पलिंग, कोटा निर्धारित कर देना, पहले से ही हम डिसाइड कर देते हैं। जैसे क्लास के अंदर मान के चलते 30 बच्चे हैं, 30 में से 10 लड़कियां हैं, तो पहले से ही हम डिसाइड कर लेंगे भाई हमें 5 बच्चे लेने हैं ना, तो 5 में से 3 लड़कियाँ होनी चाहिए, पहले से ही हम डिसाइड कर देते हैं, कोटा निर्धारित कर देते हैं पहले से ही, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोटा सैम्पलिंग कहेंगे। और भी हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि किसी सैंपल में पहले से निर्धारित कर देते हैं कि 30% महिलाएं होनी चाहिए और 70% बच्चे होने चाहिए, इस तरह से हम पहले से डिसाइड कर देते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, आगे हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब देखिए, स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है, देखिए इसका नाम कैसे पड़ा है स्नोबॉल, जैसे कि स्नोबॉल, स्नो उसका बर्फ का जो गोला होता है, जब हम उसको गोला बना के फेंकते हैं तो उसके साथ बर्फ जो है वो लिपटती हुई चली जाती है, उसके साथ ऐड होती हुई चली जाती है। तो सेम ऐसे ही हमारे सैम्पलिंग के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम एक सैंपल से अन्य सैंपल की जानकारी लेते हैं। अब इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अब देखिए, हम किसी गांव के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे हमें ये पता लगाना है कि दारू पीने से, नशा करने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं और लोगों की जीवन जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आए हैं। अब देखिए, हम किसी को जाके कहेंगे भाई तू दारू पीता है क्या, अब हर किसी के घर जाके पता करेंगे भाई दारू पीते हो, अब दारू पीते हो आपके घर में कोई, तो हमें थप्पड़ मारेगा कोई, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना हमें, हम क्या करेंगे,
किसी दुकानदार के पास जाएंगे जहाँ पे शराब बिकती है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसको हम पे विश्वास हो और हमें उस पे विश्वास हो, और जो दारू पीता हो या चाहे ना भी पीता हो, उससे हम पता करेंगे भाई आपके गांव में कौन कौन लोग दारू पीते हैं और उनसे हमें बात करनी है, या फिर उसी से हम बात कर ले भाई कौन कौन दारू पीता है और उनकी ज़िंदगी में क्या क्या इफेक्ट हुए हैं। यानी कि एक व्यक्ति से, एक सैंपल से दूसरे सैंपल के बारे में जानकारी लेना, वो क्या कहलाता है? स्नोबॉल सैंपलिंग कहलाता है। इसके अंदर यानी कि पूरे नेटवर्क की हम जानकारी ले सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्नोबॉल सैंपलिंग कहेंगे। और आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों जजमेंटल सैंपलिंग की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि सैंपल को पहले अच्छे से जज करते हैं, उसी के बाद में हम उसका चुनाव करते हैं। अब देखिए, वही एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको कि हमें किसी कंपटीशन के अंदर बच्चों को लेके जाना है, और हम पांच बच्चों को उठाते हैं, तो पहले देखते हैं ना कि इन पांच बच्चों को कितना आता है या नहीं आता। अगर वो रद्दी बच्चे हैं, उनको कुछ भी नहीं आता, तो वो आगे कंपटीशन में जाके तो हमारी बेइज्जती करवा देंगे ना, तो उनको हम नहीं लेंगे। पहले हम जज करेंगे कि इन पांच बच्चों को कितना आता है क्या नहीं आता, तो इस तरह से उनका जजमेंट करते हैं और उसी के बाद में उनका हम चुनाव करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? जजमेंटल सैंपलिंग कहेंगे। तो इसके अंदर ये क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। इसके अंदर इक्वल चांस नहीं है ना, क्योंकि हमने जज करके उनको चुना है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ सैंपलिंग के टाइप्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं? नंबर एक, 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे। नंबर दो, 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे। नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियो देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।